वाजल लीडर की वर्दी पहनकर बेरोजगार युवकों को वायुसेना में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने वाला जालसाज को गिरफ्तार किया गया है। जहां वायुसेना इंटेलिजेंस और एसटीएफ के संयुक्त कार्रवाई में झकरकट्टी बस स्टैंड से गिरफ्तारी की गई। आरोपित राहुल राजपूत उन्नास के अजगैन का रहने वाला बताया गया। जब पुलिस ने उसके पास से बड़ी संख्या में दस्तावेज बरामद किए हैं। रेल बाजार थाने में आरोपित राहुल राजपूत के खिलाफ सेना के वर्दी का दुरुपयोग, फर्जी लोक सेवक बनने और कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसडीसीपी लखन ने बताया कि वायुसेना में भर्ती के नाम पर अपने दोस्तों और सगे संबंधियों से राहुल राजपूत, जो कि खुद को वायुसेना का स्क्वाड्रन लीडर बताकर बेरोजगारों को वायुसेना में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर रहा था। इसके बाद उसको मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे पूछताछ में बताया गया कि अब तक लगभग 5 से 6 लोगों से लाखों रुपए नौकरी दिलाने के नाम पर ठग चुका है। दिनांक 21/11/2023 को थाना रेल बाजार में एसटीएफ के द्वारा एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर सूचना दी गई थी कि वह व्यक्ति अपने आप को एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर बताकर लोगों के साथ में ठगी करता था। यह व्यक्ति, इसका नाम राहुल राजपूत है, यह लोगों को ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी का दिलासा देकर उनके साथ में ठगी करता था। यह बताता था कि इसके उच्च अधिकारियों के साथ में संबंध है और ये उनको नौकरी दिलाएगा। इसी के झांसे में आकर लोगों ने इसके साथ में काम किया, लोगों ने इसको पैसे दिए और अभी एसटीएफ की पुलिस ने इसको कई सूचनाओं के बाद में गिरफ्तार किया है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आगे जिस प्रकार के भी साक्ष्य इसमें उपलब्ध होंगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के साथ यह उन्नाव जनपद का रहने वाला है। इसने बताया है कि इसकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली से हुई है और इसके कथनानुसार 10-12 लोगों के साथ में इसने ठगी की।